जय माता दी। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नई ताज़ा अपडेट खबर के साथ में। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं सभी तीर्थ स्थलों से जुड़ी हुई। आज हम लेकर आए हैं माता वैष्णो देवी के बारे में एक अच्छी और खुशखबरी भगत गणों के लिए, जो भी जाना चाहते हैं माता वैष्णो देवी के पावन दरबार में दर्शनों के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, तो कृपया वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें और अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी अपडेट प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर्दियाँ बढ़ रही हैं, सर्दियाँ धीरे धीरे अपना जो प्रकोप दिखा रही हैं, तो इस वजह से वैष्णो देवी यात्रा में जाने वाली यात्रियों की संख्या में कमी आई है। तो अभी वैष्णो देवी यात्रा में फिलहाल बहुत ही कम यात्री जा रहे हैं। इसी को देखते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कोविड की गाइडलाइन क्या हो चुकी हैं माता वैष्णो देवी के पावन दरबार में दर्शन करने के लिए। तो अभी जो भी भगत जा रहे हैं माता वैष्णो देवी के दरबार में दर्शन करने के लिए, उनको कोविड की सख्त नियमों का इतना पालन नहीं करना पड़ रहा है। यानी कि आपसे RT-PCR और कोविड के नियमों के पालन के बारे में इतनी सख्ती नहीं बरती जा रही है। आप जा सकते हैं यात्रा पर, यदि आपको दो डोज लगे हैं तो बेशक आप जा सकते हैं, यदि आपको सिंगल डोज भी लगा हुआ है कोविड वैक्सीन का तो भी आप जा सकते हैं, और यदि आपको कोई भी डोज नहीं लगा है वैक्सीन का तो भी आप निराश ना होए, आप यात्रा पर जा सकते हैं, माँ वैष्णो देवी के पावन दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि माँ के दरबार में मौसम की क्या हाल है। तो माँ के दरबार में मौसम में भारी गिरावट हुई है, यानी कि ठंड बढ़ चुकी है। माँ के दरबार में बहुत ही ज़्यादा ठंड होने लगी है, अभी समतल इलाकों पर भी ठंड बढ़ने लगी है। तो माँ का दरबार तो एक पहाड़ी इलाका है। साथ ही दोस्तों, अब जो यात्री जा रहे हैं माँ वैष्णो देवी के दरबार में दर्शनों के लिए, उन्हें दिन में भी अभी ठंड का एहसास होने लगा है। तो यदि आप बच्चों को साथ में लेकर जा रहे हैं अपने साथ, तो फिर आप ठंड के कपड़े अवश्य लेकर जाएं। अब बात कर लेते हैं कि यात्रा की अपडेट क्या है। तो मित्रों, अब मैं आप सभी को बता दूं कि यात्रा में जैसे ही ठंड बढ़ रही है तो यात्रियों की संख्या में कमी आ गई है। यानी कि ठंड में आप सभी जानते हैं कि पहाड़ी इलाकों पर ठंड और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो यात्रियों की संख्या में कमी हो चुकी है। इसको देखते हुए यदि आप अभी फिलहाल यात्रा करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, आपको वहाँ पर कमरों के लिए असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको बेहद ही आसानी से रूम भी उपलब्ध हो सकते हैं। तो यदि आप जा रहे हैं इस समय यात्रा पर तो आपको रूम्स को लेकर किसी भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा, इजीली आपको रूम्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय माता दी।